नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या को अंजाम मृतक की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था। दरअसल एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली थी कि रुक्मणी नगर में पति और पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई है। सूचना को गंभीरता से देखते हुए तुरंत थाना प्रभारी व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां कमरे में पति ज्योति प्रसाद शर्मा व पत्नी नीलम की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। धारदार हथियार से दोनों के ऊपर हमला किया गया था। मौका मुआयना कर पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आसपास के लोगों की पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि ज्योति प्रसाद शर्मा की बेटी घर से लापता है। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई कि मृतक की बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पूरे हत्याकांड को अंजाम कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच में दिया गया था, जिसमें मृतक की बेटी ने ही अपने प्रेमी धनंजय यादव को सुबह कॉल कर बुलवाया था और कई दिनों से दोनों को रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। कल मौका देख मृतक की बेटी ने अपने प्रेमी को कॉल कर बुलाया और गहरी नींद में सोए हुए मृतक की बेटी के प्रेमी ने हमला कर दिया और घर के बाहर ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल दोनों आरोपियों को रतलाम से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से 1 लाख रुपए से भी अधिक नगद बरामद हुए हैं। वह इन दोनों का प्लान राजस्थान में जाकर शादी करने का था। कल रुक्मी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, वहाँ की जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली, तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ, यह मामला कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था, वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था और उसमें इस बात का जिक्र था कि ये घटना घटित की जा रही है और उसमें कई उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई, वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने घटना को धीरे धीरे अस्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन दो लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ का जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था, उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था, ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थी, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था, ये जाकर के शादी करके कहीं दूसरे जगह पर आना चाहते थे।
इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया, और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें CCTV फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए, और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों से वार किए, और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। क्योंकि वो नींद में थे और उस समय पचन पर अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं करता, कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सामने नहीं आया। लेकिन जितना इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये कि माता पिता इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अरे यार बात कंप्लीट हो जाने दो। अभी मैंने इसका बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी मैंने बताया कि इसमें चूंकि इसके पिताजी पुलिस में थे तो लोगों का आशंका थी कि पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी या पुलिस उन्हें से ढूंढ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर हम कुछ दिनों के बाद जाएंगे और अगले फिर 10 दिनों में पकड़ा जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि बिल्कुल हम निश्चिंत होकर जाएं कि कोई रोकने वाला ना हो। इस तरह से इस षड्यंत्र की इन्होंने प्लानिंग की और धीरे धीरे करके प्लानिंग करके, प्लानिंग एक दिन में नहीं बनी, प्लानिंग के लिए इन्होंने 2-3 दिनों से प्लान किया। इन्होंने बीच में कुछ और भी तैयारियां की थी, कुछ नफीले कुछ नींद की गोलियों की कोशिश की थी, कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं। अंत इस तरह से निर्मम तरीके से इस घटना का इन लोगों ने, ये सब कितने इसमें प्रारंभिक तौर पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप निराधार आए गए हैं। ये सामान्य तौर पे आरोपी के द्वारा अपने पक्ष में सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कही जा सकती है, और दूसरा इस मामले से मूल हत्या से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जा सकती है। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं इसमें इस तरह की पुष्टि नहीं पाई गई। सर तो नशीला पदार्थ नहीं दिया गया था उसमें, ये सही है कि इनके द्वारा कोशिश की गई थी किसी तरह का नींद की गोली जैसी चीज़ें खरीदी गई, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं होने के कारण नींद की गोली नहीं मिली थी। इन्होंने दूसरी कुछ प्रोफिन जैसी दवाइयाँ दी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव इसमें नींद के लिए नहीं थी। इसमें एक संभावना हो सकती है कि संभवतः पिता ने संभवतः शराब का सेवन किया हो सकता है आशंका, क्योंकि सामान्य तौर पर पड़ोसियों का ऐसा बोलना था और वो रिपोर्ट में और स्पष्ट होगा। बहरहाल गहरी नींद में होने के कारण, और चूंकि व्यक्ति अगर बाहर से आता है संघर्ष के साथ अगर घर में आता है तो व्यक्ति ज़्यादा सावधान रहता है, लेकिन अगर उसी कमरे में व्यक्ति अगर सोया हुआ हो 4 बजे अचानक हमला कर दे तो गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के पास उस संघर्ष से बचने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, उस जूझने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, और इसके पहले भी कुछ समझ पाए लोगों ने उसे गंभीर हमले कर दिए। सर कितने सालों से वो लड़की बात ये जब तक जो अभी जो कॉल रिकॉर्ड और डिटेल और जो पड़ोसियों के जो बयान लिए गए हैं उससे लगभग 1.5 से 2 वर्षों से लोग आपस में संपर्क में थे। बहरहाल ये योजना भी हाल के दिनों में ही बनी है। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि माँ बाप ने रोका, इनको कई बार पिटाई भी की, कई बार इसको चीज़ पर आपत्ति व्यक्त की, और मुख्य तौर पर सामाजिक तौर पे भी इसमें वहाँ के परिजन भी रहते हैं उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। तो इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने मिलकर के प्लान किया और पिछले 3-4 दिनों से गंभीरता से इस पूरे प्लान पे जो आम मतलब धारदार हथियार खरीदना या फिर जैसा ने बताया कि नींद की गोलियों से संबंधित कुछ चीज़ों को फाफिल करने की कोशिश करना, इसके लिए 2-3 दिनों से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और अंत इन्होंने इस घटनाक्रम को कर। इसकी मोडस ऑपरेंडी और पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।